चलिए जानते हैं एप्सन प्रिंटर के बारे में। आज L3250 एक वाईफाई प्रिंटर है, उसमें कहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे तो फोटो स्टेट अच्छा से आता है, उस पर लाइनिंग कहाँ पर है, वो सब के बारे में जानते हैं। और ब्लैक एंड वाइट कलर, ये बटन सब जो है इनका है, कौन बटन का क्या यूज है, उसके बारे में आज जानेंगे। अगर आपका वीडियो ये अच्छा लगता है मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। फुल डिटेल में आज जानेंगे एप्सन प्रिंटर के बारे में, पावर बटन कहाँ है, पावर केबल कहाँ है, और कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाला केबल कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, इस सब के बारे में जानेंगे। और पेपर जब फंस जाता है तो किस तरह से इसको निकाला जाता है, और इंक जब आपको कट कट के आ रहा है तो इसको कैसे मिक्सअप किया जाता है, उसी के बारे में आज फुल डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। ये एप्सन का प्रिंटर है, वाईफाई प्रिंटर है। इसमें देखिए ये इको टैंक हो गया, L3250 वाईफाई प्रिंटर है। किस तरह से इसको आधार कार्ड प्रिंट करते हैं उसके बारे में आज कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये वाईफाई प्रिंटर हो गया, वाईफाई प्रिंटर हुआ क्या, मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके आप जब भी कोई चीज़ का प्रिंट दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक इससे प्रिंट निकल जाएगा। उसमें आधार कार्ड कैसे प्रिंट करना है, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पेपर डालना है, और यहाँ ये हो गया पेपर, यहाँ निकलेगा, ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये साइज बना हुआ है, ये एरो का चिन्ह बना हुआ है, ये और ये, यहाँ ये लाइन से नीचे होना चाहिए पेपर, और ये इस लाइन से ऊपर होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जीरोक्स कीजिएगा तो, आधार कार्ड अगर जीरोक्स कर ले तो पहला पेज इस साइड रखना है, सेकेंड पेज यहाँ पर रखना है। एक पेज करके हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रिंट किया जाता है। ये देखिए, ये हो गया पावर का बटन, इसको ऑन करना है। वाईफाई वाला जब काम करिएगा, जब वाईफाई आप कनेक्ट कर लीजिएगा और कोई चीज़ का प्रिंट करना होगा तो इसमें प्रिंट का कमांड दीजिएगा तो ये प्रिंट कर देगा। ये हो गया ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना है, फोटो स्टेट करना है, और ये कलर का हो गया। जब आपके प्रिंटर में कोई पेज फंस जाता है, पेपर प्रिंट हो रहा है और फंस गया, तो इसको दबाइएगा ना तो पेपर रिलीज कर देगा। और जब कलर भी आपका सही नहीं है, ये लाइट कलर का हो गया, ये जलेगा, तो इसको दबाइएगा तो कलर मिक्सअप करेगा, और पेपर जब फंस जाएगा तो ये डॉट ब्लिंक करेगा, तो ये दबाइएगा तो पेपर निकल जाएगा। ये हो गया इको टैंक, इसमें कलर फिल किया जाता है इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये ब्लैक हो गया, ये येलो हो गया, ये मेजेंटा, और ये सियाना, इसका 003 कोड है कलर का। इसमें इस तरह से इसको खोलना है और इसको इसमें इंक डाल के इसको खड़ा कर दीजिएगा, डाल देना है, और वहाँ पर नीचे में इसका साइन रहता है कहाँ तक फुल करना है, इसको दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए लाइन दिया हुआ है, लाइनिंग है, उस फुल वहाँ तक फुल करना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ ब्लैक, येलो, मेजेंटा और सियाना। चलिए अब दिखाते हैं आधार कार्ड किस तरह से प्रिंट करते हैं, कैसे डालते हैं। एक आधार कार्ड डाल के देखते हैं, ये आधार कार्ड है, डालते हैं। देखिए ये यहाँ पर ऐसे डालना है, और इसको प्रिंट के लिए ब्लैक एंड वाइट करना है तो इसको दबाना है। फिर इसको सीधे ऐसे डाल देना है, दूसरा साइड से प्रिंट करना है आधार कार्ड का, तो इसको ऐसे करना है और इसको सेम पोर्शन पे यहाँ डाल देना है, और इसको ऐसे कर दिए। फिर ब्लैक एंड वाइट करना है तो इसको दबा दिया। अब वाईफाई कैसे काम करता है, उसमें वाईफाई पर प्रिंट कैसे काम करता है, आप मोबाइल से इसको वाईफाई दीजिएगा कनेक्ट करने के बाद, और कैसे प्रिंट करता है, उस टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। और अभी जो बताए हैं आप समझ गए, पेपर फंसेगा तो इसके लिए, और एक और चीज़ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका, इनका जब कोई कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ना तो ये केबल हो गया, और ये हो गया इनका पावर का, पावर का यहाँ पर होता है, देख रहे हैं, पावर का ये हो गया। बस प्रिंटर में और कुछ नहीं है।
अगर आपका पेपर वैसे फंस जाता है जब नहीं होता है तो इसको कस इसको दबाइएगा ऐसे खोल के, इस तरह से देखिए खुल जाता है। आप उसमें हाथ घुसा के इसको पेपर को सही से पकड़ के निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसको इस तरह से लगा देंगे, इसको कस के दबाइएगा ऐसे लग जाएगा।